आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर कमलजीत सहरावत से और उनसे जान रहे हैं क्या कुछ है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का ब्लूप्रिंट, किस तरीके से व्यवस्था में सुधार होगा और जो जनता ने भरोसा दिया है उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। कमलजीत जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जो देहात का इलाका आता है, जो गाँव के इलाके आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके जहन में? कि जो गांव में है हमारा, वो एक सफाई व्यवस्था के लिए हमने एक अभियान चलाने की कोशिश की है, जिसमें कि हम हर गांव में जाके एजुकेट करेंगे। जो कि अभी तक हम कहते थे कि कूड़ा अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अब हम उसको पूरी तरह पब्लिसाइज कर रहे हैं। गांव में जाकर हम लोगों से मिल रहे हैं, दो तरह के बिन, दो तरह की थैलियाँ, दो तरह की चीज़ें वहाँ पर हों, एक गीले कूड़े के लिए, एक सूखे कूड़े के लिए। ये अभियान हम गाँव तक भी पहुँचाने की कोशिश है। गांव में सफाई की जो व्यवस्था होती है, जिस तरह से, क्योंकि वहां पे ओपन नालियां होती हैं, तो वहां पे एंटी लार्वा स्प्रे का ढंग से टाइम से उसका हो जाए पूरा प्रसार, वो हमारी चिंता है। तो गांव की जो रिक्वायरमेंट है, कॉलोनी की जो रिक्वायरमेंट है, शहर की जो रिक्वायरमेंट है, तीनों के ब्लूप्रिंट तैयार करके हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। जी कमल जी, एक बात जो बार बार देखने को आती है, जिसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कई बार निगम की ओर से बड़े अच्छे प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसमें कहीं ना कुछ कमी या कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो प्लान जो है वो वैसा लागू हो नहीं पाता है, वो जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाता है, उसको लेकर इस बार आप क्या सोच रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जनता की भलाई के लिए बनाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज सिस्टम में वो एक अवरोध पैदा कर देते हैं। तो इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। अगले 7 तारीख को हमने ऑल डिपार्टमेंट्स को कॉल किया है, ताकि हम अपनी रिपोर्ट उनको दे पाएं और उनकी रिपोर्ट ले पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविक एजेंसीज को मिलकर काम करना होगा। अगर सिविक एजेंसी मिलकर काम नहीं करती है तो दिल्ली की जनता के ऊपर उसका जो असर होता है वो हमने देखा है। तो इसलिए MCD अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेगी, हमारी तरफ से कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और पार्षद, सभी 104 वार्ड के पार्षद मिलकर अपने वार्डों में पूरी तरह से तैयार हैं आने वाले समय में सफाई और बीमारियों को लेकर। और सारे डिपार्टमेंट्स को भी हमने कॉल किया है, ताकि हम अपनी रिपोर्ट उनको दे पाएं और उनसे उनका स्टेटस जान पाएं, ताकि हम आगे चलकर सुधार कर पाएं। जी कमल जी, जी हमने देखा है कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद, घर घर जाकर बात फैलाने के बावजूद, आज भी घरों में चेकिंग कीजिए तो वो लार्वा मिल जाते हैं जहां पर वो कंडीशंस होती हैं। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जाए, इसको लेकर क्या कुछ प्लान है? देखिए, इसमें आपने जो बात की वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एडिस का मच्छर है, फिर दोबारा वही बात है कि तो पैदा ही साफ पानी के अंदर होता है, घर के अंदर होता है। आजकल आप देखेंगे कि ये बैम्बू ट्रीज और छोटे छोटे पौधे हैं जो हम टेबल्स पर रखते हैं, घर में ब्यूटिफिकेशन के लिए रखते हैं। अब ये जब अगर हम इन दिनों में आ जाते हैं तो इनका पानी रोज चेंज होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में, क्योंकि जिम्मेवारियां काफी रहती हैं, तो घर के जो लोग हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो पानी अगर नहीं बदला जाता है तो तीसरे दिन ही उसके अंदर वो लार्वा पैदा होने की संभावना रहती है। इन सारी बातों को देखकर ही, जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार हमने थर्ड स्टेज जो अवेयरनेस का जो मोमेंटो है वो भी हमने बहुत तेजी से शुरू किया है, ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए। क्योंकि जो बाहर की सफाई है वो तो सिविक एजेंसीज की जिम्मेवारी है, लेकिन इस मच्छर के पैदा होने का जो एनवायरनमेंट है वो तो अंदर होता है, ऑफिसेज के अंदर होता है, घर के अंदर होता है। तो इसीलिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोज चलाए हैं हमने, इसके लिए पिक्चर हॉल में भी हम इसको एडवर्टाइज करेंगे, हम इसकी जगह जगह डिस्प्ले कर रहे हैं कि आप प्लीज घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। साफ पानी आपको देखने में साफ लगता होगा, लेकिन वो अपने आप में बीमारियों का घर है। तो इस समय पे मेरी जनता से भी अपील है कि घर के अंदर ऐसे पौधे या ऐसी कोई भी जगह जहां पानी इकट्ठा हो सकता है उनको अवॉइड करें, और पानी की टंकी को अपना ढककर रखें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम जितना सावधानी रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। कमल जी, एक सवाल ये कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच में जो संबंध है वो जगजाहिर है, सबके सामने है, अब एक नया निगम सबके सामने है, कितनी परिस्थितियां बदलेंगी, आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? वरुण जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में दिल्ली की जनता ने वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का 54% से 26% किया है, तो मुझे लगता है कि वो भी सोचेंगे कि दिल्ली की जनता सब देख रही है। दूसरी बात, आज उनके पार्षद भी चुनकर सदन के अंदर आए हैं, तो MCD को चलाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं हो सकती। सदन के अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति
यहाँ पर उतना ही बराबर का जिम्मेवार है। और मैं कहना चाहती हूँ कि बजाय इस बात को कहने की, जैसे कि आज भी काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आया है कि हम लोग एमसीडी में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ये बताने की बजाय मिलकर ये कहें कि आप हमसे क्या चाहते हैं, बताइए, हम करने को तैयार हैं। अगर इस सोच के साथ चीज़ें आगे आएंगी तो मुझे लगता है दिल्ली का भी भला होगा और जो उनकी पार्टी के प्रति लोगों की सोच है वो भी सुधार में होगी। जी कमल जी, कुछ और सवाल है। एक सवाल ये कि न्यूनतम मूल्य पर जो खाना है वो थाली उपलब्ध करवाने की एक बात आपकी ओर से की गई थी, इसको लेकर क्या कुछ अभी कुछ ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, कब ये योजना अमल में आएगी? आपने जो विषय लिया है खाने का वो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी पर है। थाली इतनी रुपए में मिलनी चाहिए, 10 रुपए में थाली हमने बोला है और इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई हैं। हम इस स्कीम को प्रैक्टिकल ग्राउंड पर लाने की जितनी भी तैयारियां उनमें लग गए हैं और हर जोन में इसकी शुरुआत हम बहुत जल्द करेंगे। आज मैं आपको टाइम बाउंड तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा काम इसके ऊपर, इस एजेंडा के ऊपर हमारा काम शुरू हो चुका है। जी डार्क स्पॉट, जो डार्क स्पॉट्स हैं उनका जिक्र बहुत लंबे वक्त से हो रहा है, वहाँ लाइटें लगवाई जाएंगी इसका भी जिक्र आपने किया है, ये काम भी कब तक पूरा होगा या फिर इसको लेकर आपकी कोई तैयारी या मीटिंग्स चल रही है, इसके बारे में कुछ बता पाएं? हमने अपने सभी पार्षदों को कहा है कि वो डार्क स्पॉट्स की लिस्ट बना लेंगे जो उन्होंने बना ली है। अब इसके बाद हमारी जो भी एरिया है जहाँ बीएसएस है या जो भी नोडल एजेंसी हमारी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को डील करती है, हमने उनके साथ मीटिंग्स रखवानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि लाइट डायरेक्टली एमसीडी के पास नहीं आती है, लेकिन क्योंकि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम उन ऑफिसर्स को इजीली लोकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए ये कह रहे हैं कि डार्क स्पॉट्स की लाइट का जो विषय है वो डार्क स्पॉट्स की लिस्ट बनाकर संबंधित अधिकारी के साथ हमारी बैठक अगले हफ्ते तक हम सभी पार्षदों को बोलेंगे हो जाए और वो इंश्योर करें कि यहाँ पर जल्दी से काम हो जाए। जी कमल जी, जो कर्मचारी हैं एमसीडी में, जो काम करते हैं कर्मचारी हैं, उनके जो मुद्दे आते हैं, चाहे वो वेतन का मुद्दा है, हड़ताल होती है, कमोबेश ये मुद्दे हमें हर बार देखने को मिलते हैं, ऐसी स्थिति बार बार पैदा ना हो, इससे निपटने को लेकर कुछ आपके जहन में है कि आगे ऐसे हालात ना बने? देखिए, सफाई कर्मचारियों से आज सुबह मेरी यूनियन से एक मीटिंग हुई है तो उनसे खुलकर बात हुई है। मैंने उन्हें यही कहा है कि देखिए, आप काम करते हैं, हम सम्मान की बात जो है ये है कि आप इस काम को जब कर रहे हैं तो वो काम जनता के मुंह से बोलना चाहिए और आपकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता हम करेंगे। तो एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं उनको मैं इंश्योर करना चाहती हूँ कि उनको किसी भी तरह की तनख्वाह की या किसी काम की दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इतना उनसे निवेदन है कि उनका काम दिल्ली की जनता खुद बोले कि हाँ काम अच्छा हो रहा है, तो इतना मैंने उनसे आज निवेदन किया है। जी ये जो हम एक सवाल पर पहले वापस लौटे थे, जो हम भागीदारी की बात कर रहे थे, आरडब्ल्यूए है या जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं, इनके साथ नगर निगम जुड़कर काम करे और कैसे जो चीज़ें हैं वो जो कम्युनिकेशन है या फिर जो भागीदारी है वो स्पष्ट हो पाए, इसको लेकर भी इस वक्त कुछ चल रहा है नगर निगम में? जी बिल्कुल, दो तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, जनता की भागीदारी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो वेस्ट का सेग्रीगेशन है, चाहे वो डेंगू चिकनगुनिया का अवेयरनेस प्रोग्राम है, कोई भी जो भी काम हो सकता है वो बिना जनता की भागीदारी के नहीं हो सकता। इसके लिए हमने दो तरह से प्रोग्राम किए। एक तो हम एडवर्टाइजमेंट पर, क्योंकि जो चीज़ें आंखें के सामने रहती है, बार बार नजर आती है, तो माइंड में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा, हम एफएम के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट जैसे कि मेट्रो स्टेशन के ऊपर या न्यूज़पेपर के थ्रू लगातार हम पब्लिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जनता की भागीदारी की अपेक्षा हम करते हैं और दिल्ली की बेहतरी के लिए उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे अधिकारी भी स्थान स्थान पर जाके आरडब्ल्यू के साथ हम लोग मिल रहे हैं। जैसे आप मुझसे बात करें तो वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर मैंने खुद अपने क्षेत्र में जाके लोगों को अवेयर किया था कि हमें दो तरह के डस्टबिन यूज़ करने चाहिए और मेरे अधिकारी मेरे साथ गए थे। इसी तरह हेल्थ के प्रोग्राम से भी हमारे अधिकारी साथ जाएंगे। तो जिस भी तरह से संभव है जनता से कम्युनिकेट करना, हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कमलजीत जी, दिल्ली बीजेपी में आप कई पदों पर आपने काम किया है, कई बड़े पदों पर आप रही हैं, आज भी हैं, बीजेपी का दिल्ली में वनवास आखिर कब खत्म होगा? बहुत जल्द, जब भी अगला मौका आएगा तभी। दिल्ली की जनता पे हमें भरोसा है, हम मेहनत करके काम करेंगे, इस विश्वास को और जीतेंगे और अगला मौका जो भी होगा वो दिल्ली की जनता हमें ही देगी। कमल जी सहरावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जैसे कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर, आपने सुना कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में आने वाले मौसम को लेकर और तमाम दूसरे मुद्दों पर उन्होंने अपनी खुलकर राय रखी है। यहां रुकने कुछ देर के लिए। MH1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।